शहर और आसपास की खबरों के लिए आपके पसंदीदा न्यूज चैनल लोकसभा टीवी पर मैं दिलीप जगवानी आपका स्वागत करता हूं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में तीसरे पायदान पर पहुंचा छत्तीसगढ़। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया पुरस्कार। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने अधिकारियों को सख्त निर्देश। सड़कों पर पैदल चलकर कलेक्टर ने लिया जायजा। निराश और बेबस वृद्ध दंपति ने मांगा इच्छा मृत्यु। भांजे की यातना से त्रस्त हैं पति पत्नी। और एसएससीआर मजदूर कांग्रेस कार्यालय में अतिरिक्त निर्माण का जीएम ने किया लोकार्पण। जोनल अध्यक्ष तपन चटर्जी का प्रयास लाया रंग। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। अब विस्तार से खबरें देखते हैं। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ को तीसरे नंबर पर सबसे साफ सुथरा प्रदेश पाया है। राज्य की इस उपलब्धि के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नगरीय विकास मंत्री अरुण साव को पुरस्कार प्रदान किया। स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य के 5 नगरीय निकायों रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी शामिल किया गया है। 22 जनवरी सोमवार को अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस मौके पर देश भर में दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर अधिकांश राज्यों में सरकारी छुट्टी की घोषणा की मांग हो रही है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में स्कूल और महाविद्यालयों में अवकाश की घोषणा कर दी है। हालांकि इस संबंध में गुरुवार शाम तक मंत्रालय से किसी तरह का आदेश जारी नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि देर रात तक इस संबंध में अधिकृत रूप से जो है छुट्टी की घोषणा की जाएगी। गरीब और असहाय जो फुटपाथ पर जैसे तैसे रात गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए अग्रहरी समाज ने हाथ आगे बढ़ाया है। इन्हें कंबल, गर्म कपड़े और जरूरत की चीजें देकर सर्द रातों में बचाने का अभिनव प्रयास किया है। समाज के सदस्यों ने मस्तूरी ब्लॉक के दूरस्थ अंचल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शासकीय प्राथमिक शाला बकरकुदा के बच्चों को कंटोप का वितरण किया। इसके अलावा शिक्षकों को शॉल और श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कंटोपा वितरण का कार्यक्रम किए और बच्चों को जब हमने कंटोपा वितरण करे तो बहुत खुशी थी बच्चों के चेहरों में। साथ ही हमने अग्रही समाज के सदस्यों के साथ शिक्षकों का सम्मान भी किए शॉल और श्रीफल से। 239 बच्चे पूरे बच्चों के लिए समाज की तरफ से एक सहयोग किया गया और बच्चों के बहुत खुशी थी। शहर की व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कलेक्टर अवनीश शरण ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक स्थानों का पैदल निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार बैनर्जी और निगम के अधिकारियों का दल उनके साथ रहा। गुरुवार दोपहर अचानक कलेक्टर को अपने सामने पाकर शहर में लोगों के बीच हलचल मच गई। बृहस्पति बाजार से लेकर सिम्स तक सड़क पर बाधा उत्पन्न करने वालों से ट्रैफिक पुलिस और निगम के अधिकारियों से कड़ाई बरतने कहा। कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स मार्ग को कब्जा मुक्त कराने कहा, जिससे मरीज और उनके परिजनों को अस्पताल आने जाने में हो रही परेशानी दूर हो। कलेक्टर के साथ मुख्य मार्ग से रिवर व्यू तक अधिकारियों का काफिला पैदल जायजा लेने पहुंचा। इसी तरह सदर बाजार से गोल बाजार, कोतवाली चौक का अवलोकन कर उन्होंने एसपी संतोष कुमार सिंह से व्यापारियों के सहयोग से ट्रैफिक का दबाव नियंत्रित करने कहा। कम चौड़ी सड़कों पर दुकानदारों ने कब्जा जमाया है, इससे सारा समय ट्रैफिक जाम रहता है। प्रभावित नागरिक अपने स्तर पर इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं। साथ रहे निगम के इंजीनियर राजकुमार मिश्रा से कलेक्टर अवनीश ने सेजस लाल बहादुर के पास सड़क के दोनों तरफ कब्जा हटाने और कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शनिश्री बाजार पहुंचने वालों को वाल्मीकि चौक से जवाली पुल तक सड़क पर लगने वाले जाम से अधिक दिक्कत होती है। यह समस्या दूर करने कलेक्टर ने इसका पैदल मुआयना किया और अधिकारियों से कहा नाले पर बनाए सड़क की ओर ट्रैफिक डायवर्ट करें और व्यापारियों को समझाइश दें, नहीं मानने पर सीधे कार्यवाही करें। कलेक्टर ने माना कि आपसी सहयोग और सामंजस्य से शहर की व्यवस्था बनाई जा सकती है। बिलासपुर स्पेशली जो शहर है, नगर निगम एरिया है, वहाँ पे ट्रैफिक की काफी
समस्या आती रहती है और उसमें आप देखेंगे अधिकतर जो समस्या है वो अस्थाई जो अतिक्रमण है उसको लेके, इसमें कुछ जो हमारे शॉपकीपर हैं उनके द्वारा भी सामान जो है वो अपने दुकानों से बाहर फैला लिया जाता है, कुछ ठेले वाले हैं उनकी भी दिक्कत है, जिसके कारण से जो यातायात है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो आज इसी को लेके हमारे द्वारा जो पुलिस कप्तान है वो और जो पूरी टीम है RTO नगर निगम की पूरी टीम ने आज इंस्पेक्शन किया है, खासकर वैसे चौराहे जहाँ पे किसी न किसी कारण से जाम की स्थिति बन रही है, जिससे कि जो यह आवागमन प्रभावित हो रहा है और लोगों को भी कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ा है, उसको देख के हम लोगों ने काफी इसको विजिट किया है। संबंधित जोन कमिश्नर भी निरीक्षण में शामिल थे, उन्हें जरूरी उपाय करने श्री शरण ने कहा। नगर निगम और पुलिस विभाग को तालमेल के साथ समय समय पर दौरा कर नागरिकों की सुविधा का ख्याल रखने सलाह दी। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा, सार्वजनिक स्थानों में नागरिकों को होने वाली परेशानी दूर करने नियमित और अभियान चलाकर कार्य किया जा रहा है, जरूरत पड़ी तो कार्यवाही भी की जाएगी। जिले में यातायात पे आप देख रहे होंगे लगातार जो है यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहाँ दो कारण से समस्या है, एक तो जहाँ अतिक्रमण है उसकी वजह से दिक्कत है, दूसरा लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अब हम लोग ITMS प्रोजेक्ट का यूज़ करके भी ई चलान करेंगे, जिससे ऐसे लोग जो यातायात का नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। आज जिला प्रशासन कलेक्टर साहब और नगर निगम की पूरी टीम साथ साथ हम लोग निकले हैं, कई ऐसी जगह जहाँ अतिक्रमण की वजह से अगर उनको सुधार करके या लोगों को समझाइश देके ऐसे जगहों को बेहतर किया जा सके उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गुरुवार को कलेक्टर और SP के नगर भ्रमण से नागरिकों में उम्मीद जागी है, जबकि व्यवस्था बनाने वालों पर इसका कितना असर होता है ये जल्दी सामने होगा। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, LOKSO TV, बिलासपुर। बृहस्पति बाजार शिवाजी चौक तक फैले सब्जी विक्रेताओं से देवकी नंदन और जेल चौक तक ट्रैफिक प्रभावित होता है, खासकर दोपहर से रात 9 बजे तक खरीदारी करने आए लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है। इसे सुधारने ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम फेल हो चुका है। गुरुवार को कलेक्टर अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक ने यहां औचक निरीक्षण किया, मौजूद निगम इंजीनियर राजकुमार मिश्रा और जोन कमिश्नर को जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा, बाजार में क्षमता से ज्यादा व्यापारी हो गए हैं, जिससे स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने बृहस्पति बाजार में एक मंजिला नया बाजार परिसर बनाने का सुझाव दिया है, साथ में ग्राहकों की सुविधा के लिए सड़क किनारे मार्किंग कर तात्कालिक व्यवस्था बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। क्योंकि दुकानें काफ़ी बढ़ गई हैं, पहले हो सकता है वहाँ 50 दुकानदार होते थे, जब आवंटन हुआ था चबूतरे कम लिमिटेड हैं तो उसको कहा गया है कि थोड़ा सा व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था करें, व्यवस्थित जो है चबूतरे की व्यवस्था करें, हो सकता है उसका एक्सपेंशन भी किया जाए, G+1 या G+2 का स्ट्रक्चर बनाया जाए, उसके लिए नगर निगम को प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। दूसरा जो कुछ समस्या ऐसी है कि वो क्रिएटेड है, उन लोगों द्वारा सब्जी के 10 दुकानदार हैं तो वो पूरा फैला दिया गया वहाँ पे, जहाँ वो 5 फीट में दुकानदारी कर सकते थे वो 50 फीट में फैल गए हैं, तो उनको व्यवस्थित करना है और नगर निगम को कहा गया कि वहाँ एक मार्किंग करें कि उस लाइन से बाहर कोई भी अपनी दुकानों को न लगाए। इधर बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक महत्व रखने वाला राजा रघुराज सिंह स्टेडियम अब नए लुक और सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों के लिए तैयार है। शहर के सबसे पुराने इस मैदान पर अब रात में भी खेल आयोजन होंगे। जिला प्रशासन ने कुछ ही समय पहले मैदान के चारों ओर ऊंचे टावर लगाकर फ्लड लाइट की सुविधा दी है। यही नहीं, अंधेरा होने के कारण पहले जो है शराबियों का ये अड्डा बन चुका था, अब हाई मास्ट फ्लड लाइट लग जाने से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा के साथ खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि जिला क्रिकेट संघ के आग्रह पर राज्य क्रिकेट संघ ने IPL की तर्ज पर यहाँ T20 मैच कराने BCCI को पत्र लिखा है। बिजली बंद कर वृद्ध दंपत्ति को घर के कमरे में 4 महीने से उसके भांजे ने कैद कर रखा है। संपत्ति मिलने पर भी वो अपने 80 साल के मामा मामी को दिन रात यातना दे रहा है। नारकी जीवन से तंग आकर इस दंपत्ति ने मौत को गले लगाने का फैसला लिया है। जिला कोर्ट आए वृद्ध दंपत्ति के कांपते हाथों में खुद के मौत का पैगाम लिखा था। न्यायाधीश मनीषा ठाकुर के नाम लिखे इच्छा मृत्यु पत्र की तहरीर हृदय विदारक है। 24 अक्टूबर 2023 से बिजली बंद है, गीजर बंद है, टेलीविजन बंद पड़ा है, खाने पीने का सामान नहीं है, गैस चूल्हा भी मंद पड़ चुका है, पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है, कीमती सामान ताले में बंद कर दिया है, टिफिन लेकर खाना खा रहे हैं, हमारी देखरेख करने वाला साथ नहीं रह सकता।
बिजली बनाने वाले मैकेनिक को भीतर आने नहीं दिया जाता, ऑर्डर पर दवा लेकर आए व्यक्ति को भगा दिया जाता है, हमें तरह तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हर समय रामकृष्ण पांडे और उसके लोग पहरेदारी करते हैं, सहायता की जहां से उम्मीद थी वहां से निराश हो चुके हैं। रोज रोज की जिल्लत और प्रताड़ना से तंग आकर हम पति पत्नी ने मौत को गले लगाने का मन बना लिया है। आपसे गुजारिश है, हमारी आत्महत्या की अर्जी स्वीकार कीजिए। कोनी के कंचन विहार में रहने वाले 42 साल के सुरेश मणि तिवारी और उनकी पत्नी ललिता तिवारी मन में गहरी पीड़ा लिए गुरुवार को ये पत्र लेकर जिला कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने कहा, जिस मकान में रहते हैं वो अपने भांजे रामकृष्ण को दान में दिया है। रिटायरमेंट के बाद मिले 30 लाख रुपए भी उनके बैंक खाते से निकाल लिया, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मैंने अपने भांजे को दान दिया, अपना मकान कुरी वाला मकान, उसी मकान में लोग रहे हैं 15 से सब के सब। उन्होंने 2023 से लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया, तो लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया कि मेरे को गाँव की बच्ची की जमीन इसको दे दो, यूपी में जो प्रॉपर्टी इसको दे दो, और उसके बाद मेरे जिनका सब पूरा पेंशन का पैसा पूरा खा गया, पूरा 30 लाख श्रीमती कलाम का पूरा ATM रखा था, वही चेकबुक रखा था, वही सब कुछ वही रखा था, उसका पूरा पैसा खा गया। इसी बात पर लड़ाई चलने लगी, लड़ाई हो चलते चलते इतना परेशान किया कि मेरे को ऊपर रख दिया, कोरोना हो गया, श्रीमती नीचे रहती थी, इसलिए लड़ाई करके लगा कि इसको भी ऊपर भेज दिया। ऊपर में छोटे से कमरे में लोग रहते हैं, बाजू कमरे में तार लगा दिया है, वहाँ भी नहीं रह सकते, छोटे कमरे जिंदगी गुजार कर रहे हैं, तब वहाँ पर आत्महत्या करने के कोई रास्ता नहीं है। दुर्व्यवहार और प्रताड़ना से तंग आकर वृद्ध दंपति भांजे के नाम किया दान पत्र निरस्त करने कोर्ट में आवेदन लगाया, तो रामकृष्ण ने 4 महीने पहले बिजली बंद कर दी और असहाय मामा मामी पर पहले से ज्यादा जुल्म ढाने लगा है। समाज में रिश्ते पर एतबार खत्म करने वाली ये कड़वी हकीकत वृद्ध दंपति को इस हद तक मजबूर किया है कि वे इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी देने जिला विधिक प्राधिकरण शिविर लगाएगा। शासकीय जेपी वर्मा कॉलेज में 13 जनवरी को होने वाले इस आयोजन में कानूनी अधिकारों और नागरिक दायित्व पर विधिक जानकारी दी जाएगी। विधिक सेवा प्राधिकरण का मानना है कि दैनिक और शैक्षणिक जीवन में कानून विषय का बड़ा महत्व है। इसकी जानकारी होने से प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में विद्यार्थियों को काफी मदद मिलेगी। विधिक साक्षरता शिविर में सभी संकाय के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आम नागरिकों में कानूनी जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए समय समय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करता है। इसी कड़ी में हम दिनांक 13 जनवरी 2024 को बिलासपुर के JP वर्मा महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। इस विधिक जागरूकता शिविर में बिलासपुर जिला न्यायालय में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार लाल साहब के द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को विभिन्न कानूनी विषयों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। उधर सरकंडा स्थित खेल परिसर में इन दिनों छात्र छात्राओं को कराटे की बारीकियां सिखाई जा रही है। इसके जरिए उनकी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। कराटे आत्मरक्षा का खेल माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन रोजाना 30 से 40 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षकों के द्वारा आत्मरक्षा के नए नए तरीके इन्हें बताए जा रहे हैं। बच्चे भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में तीसरे पायदान पर पहुंचा छत्तीसगढ़। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया पुरस्कार। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने अधिकारियों को सख्त निर्देश। सड़कों पर पैदल चलकर कलेक्टर ने लिया जायजा। निराश और बेबस वृद्ध दंपति ने मांगा इच्छा मृत्यु। भांजे की यातना से त्रस्त है पति पत्नी। और SSCR मजदूर कांग्रेस कार्यालय में अतिरिक्त निर्माण का GM ने किया लोकार्पण। जोनल अध्यक्ष तपन चटर्जी का प्रयास लाया रंग। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी हेडलाइंस, आगे बढ़ते हैं। बुधवारी बाजार स्थित मजदूर कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में 2 अतिरिक्त कमरे और GM के नाम से उद्यान की शुरुआत की गई। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस ने गुरुवार को भवन लोकार्पण का कार्यक्रम रखा। इस मौके पर बड़ी संख्या में पदाधिकारियों समेत सदस्य मौजूद रहे।
साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस के जोनल अध्यक्ष तपन चटर्जी के नेतृत्व में बुधवारी बाजार स्थित केंद्रीय कार्यालय में गुरुवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां मुख्य अतिथि के रूप में जोन के महाप्रबंधक आलोक कुमार शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि पीसीई मुदित भटनागर, पीसीईई रामेंद्र तिवारी, बिलासपुर डीआरएम प्रवीण पांडे मौजूद रहे। काफी वर्षों से इस कार्यालय में कामकाज के लिए कमरों की कमी हो रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए जोनल अध्यक्ष तपन चटर्जी ने जोन के जीएम से अतिरिक्त कमरों के निर्माण की मांग की थी। कमरे बनकर तैयार होने के बाद जोन के जीएम ने इनका लोकार्पण किया। कार्यालय परिसर में जीएम आलोक कुमार के नाम का एक गार्डन भी बनाया गया है। इस मौके पर रेलवे मजदूर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे रचनात्मक एवं सामाजिक कार्यों की जीएम ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मजदूर कांग्रेस कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के साथ ही रेलवे के विकास व अन्य सामाजिक कार्य जैसे पौधारोपण, संगीत, समाज सुधार में भी सहभागिता निभाता चला रहा है। मजदूर कांग्रेस के में दो रूम्स का एडिशन करा गया है। कोई भी कार्य मिलजुल के करना, सुचारू रूप से सॉल्व करना एक गहन, उसमें डेलिब्रेशन की ज़रूरत होती है। और मैं आशा करता हूँ कि इन जो कमरों में जो एम्प्लॉयज से संबंधित समस्याएं हैं उनके पॉजिटिव समाधान हैं, उस पर विचार कर इनको सुचारू रूप से सुलझाया जाएगा। और ये एम्प्लॉय वेलफेयर की दिशा में मजदूर कांग्रेस और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को आगे ले जाएंगे। जोनल अध्यक्ष तपन चटर्जी ने बताया कि रेलवे अधिकारियों के समक्ष वे जो भी मांग रखते हैं अधिकारी उन्हें पूरा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि रेल कर्मचारियों के हित के लिए वह निरंतर कार्य करते रहेंगे। ये दो बिल्डिंग में एक ही रूम में हम लोग बैठते थे, बहुत तकलीफ होता था। जीएम साहब ने सुना, आप 31 दिसंबर का नंबर हैंडओवर कर दिया, उसी रूम में हम लोग बैठेगा, जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सब बैठेगा, ये रूम में मीटिंग हॉल होगा, चर्चा करेंगे हम लोग सब क्या क्या प्रॉब्लम और है नहीं है, यही चलता रहता है। मजदूर कांग्रेस दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एकमात्र मान्यता प्राप्त संगठन है, जो कर्मचारियों की जायज मांगों को रेल प्रशासन के समक्ष रखने के साथ साथ अपना कर्मचारी कल्याणार्थ पंचशील कार्यक्रम भी प्रतिवर्ष करते आ रहा है। इस दौरान जोनल अध्यक्ष तपन चटर्जी, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक बी कृष्ण कुमार समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे मजदूर कांग्रेस के जोनल अध्यक्ष तपन चटर्जी के नेतृत्व में गुरुवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के बुधवारी बाजार स्थित केंद्रीय कार्यालय में शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर जोन के जीएम आलोक कुमार, डीआरएम प्रवीण पांडे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने रक्तदान शिविर का जायजा लिया और रक्तदाताओं कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रोग्राम में है ब्लड डोनेशन कैंप, वृक्षारोपण, देन हमारा स्पोर्ट्स, देन हमारा हॉस्पिटल, कॉलोनी केयर, ये सब हम करते हैं। तो इसमें जीएम साहब ने आता है, हमें अकेलौता यूनियन है, ओनली मात्र सिंगल यूनियन एट बिलासपुर, यूनियन रेलों में पहले सिंगल यूनियन अंडर द बैनर ऑफ NFIR। तो हम लोग काम करते हैं, वर्कर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जीएम साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से मेरा काम होता है, करता है। साथ ही साथ ब्लड डोनेशन का कार्य करती है, इससे जो रक्त की प्राप्ति होती है वो जो बेनिफिशरीज हैं जिनको आवश्यकता है उनको दिया जाता है। बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद शहर को व्यवस्थित रखने विभिन्न निर्माण कार्य और कायाकल्प जो है किए जा रहे हैं। बारिश के दौरान शहर में जल भराव की समस्या काफी पुरानी है, लिहाजा इससे निपटने छोटे बड़े नाले नालियों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तालापारा में जल भराव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मगरपारा चौक में बड़े नाले का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से निर्माण जारी है और इससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। हालांकि निर्माण के बाद जल भराव की समस्या से लोगों को जो है निजात मिल जाएगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के कड़े निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। हरकत में आई पुलिस ने अब अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ जो है अभियान तेज कर दिया है।
जगह जगह कार्यवाही का दौर जारी है। कोनी पुलिस ने 3 आरोपियों माधव प्रसाद सूर्यवंशी, लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी और अजय वर्मा से जलसो गांव में 83 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया। इसी तरह सिविल लाइन पुलिस ने मिलन चौक कुदुदन निवासी रोहित सैनी और दीपांशु ठाकुर से 31 नग लगभग 6 लीटर सील बंद अंग्रेजी शराब पाया है, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए है। इसी तरह खुले में शराबखोरी, ढाबा, होटलों में अवैध रूप से शराब पिलाने के मामलों में 35 लोगों पर कार्यवाही करते हुए 90 लीटर शराब जब्त किया है। सिरगिट्टी पुलिस ने शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी राजेश कुमार उर्फ चिल्लर मन्नाडोल तिफरा निवासी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 10 जनवरी की दोपहर तिफरा पुलिस कॉलोनी के पास चिल्लर और लकी ठाकुर प्रार्थी अजीत सिंह तिफरा निवासी से शराब पीने के लिए रुपयों की मांग कर रहे थे। मना करने पर गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की और इसके बाद शिकायत जो है पुलिस तक पहुंची। तिफरा असिस्टेंट से राजेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बिलासपुर पुलिस ने बुधवार की शाम शहर के चौक चौराहों और ग्रामीण थानों में सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, ब्लैक फिल्म वाले कार, बिना नंबर के गाड़ी, 3 सवारी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वालों का मौके पर ही ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जो है वो जांच की गई। साथ ही अधिक शराब का सेवन कर वाहन चलाने वालों की गाड़ियां जब्त कर ली गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 317 वाहन जो है MB एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकस्वा टीवी। नमस्कार।